हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, यही है हमारा पहला क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसमें क्या लगेगा, इसमें हमारा लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें लगेगा क्या हमारा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो देखिए, पहले जो है हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले साइन का करेंगे, उसके बाद इसके एंगल का करेंगे। ठीक है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो देखिए करते हैं, तो कीजिए साइन, पहले इसे लिख लीजिए डी इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, बटे में, क्योंकि साइन का हो रहा है तो इसीलिए ये एंगल नीचे में लिखना पड़ेगा, डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, अब लगाइए फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसमें हो जाएगा इंटू डी बाय, अब जो ये एंगल है ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर ये दोनों को काटते हैं तो ये फिर उतना के बराबर हो जाता है जितना कि डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का। ठीक है, तो ये देखिए साइन का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाता है कॉस, जो एंगल है वो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, अब देखिए इसमें लगेगा यू प्लस वी, पहले है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो इसमें यू प्लस वी लगाइए, यू प्लस वी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा यू प्लस बी। तो ये जो है कॉस वाला, उसे उतार दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डी वी नहीं, यहाँ पर फाइव होगा। ठीक है, ये फाइव, और फाइव जो फाइव क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, यही है हमारा फाइनल आंसर, टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर जल्दी से। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, तो ये है, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगा। देखिए इसमें कौन सा लगा फॉर्मूला, पहले तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसका फॉर्मूला लगा, उसके बाद यू प्लस बी। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी का ही फॉर्मूला इसमें लगा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर टू में है कि कॉस इंटू क्या है, साइन एक्स। ठीक है, कॉस इंटू साइन एक्स, इसमें भी लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले कॉस का होगा उसके बाद साइन का होगा, साइन क्योंकि कॉस का एंगल है इसीलिए साइन का होगा, पहले होगा किसका, कॉस का, साइन का नहीं, पहले कॉस का होगा। तो देखिए कैसे होगा, लिख दीजिए डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी डी इंटू कॉस साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा, ये जो साइन एक्स है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स इंटू, अब हो जाएगा ये डी इंटू साइन एक्स बाय डी एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा माइनस साइन इंटू एंगल जो है साइन एक्स, वो लिख दीजिए साइन एक्स। और उसके बाद देखिए फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये सिंपल कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इसमें है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यह है साइन एक्स, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, इसमें भी लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, सेम है क्वेश्चन नंबर वन की तरह। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाइए, यह हो जाएगा डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी बाय एंगल जो है उसे लिख दीजिए नीचे, ए एक्स डी इंटू ए एक्स प्लस बी, और फिर एंगल का होगा, यह हो जाएगा डी इंटू ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। ठीक है,
तो ये साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ये हो जाता है कॉस, एंगल जो है ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू प्लस बी है तो यहाँ भी लग जाएगा यू प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा डी इंटू ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डी इंटू बी बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो वन हो जाता है, ठीक है, ये पहले लिख लीजिए। एक स्टेप और कर देते हैं, ये जो ए कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक, ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए, ये हो जाएगा ए इंटू डी बाई डी एक्स डी डी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसके बाद ये हो जाएगा डी इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये लिख दीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये एक ए का ये तो ये बाहर हो गया कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये वन हो जाता है, ठीक है, इंटू वन कर दीजिए प्लस इसका, तो ये तो प्योर कांस्टेंट है बी, ये हो जाएगा जीरो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू ए, क्योंकि ये जो है ए इंटू वन कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यही होता है हमारा फाइनल आंसर, यही है हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारा, ये है सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है, सेक इंटू टेन रूट एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसमें लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसमें भी लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो देखिए लिख दीजिए पहले डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है, अब लगाइए फंक्शन ऑफ फंक्शन डी वाई सेक टेन रूट एक्स वाई, अब सेक का जो एंगल है उसे यहाँ लिख दीजिए, क्या है टेन रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए टेन रूट एक्स ये हो गया, अब हम लोग करेंगे टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी टेन रूट एक्स बाय, अब देखिए ये जो है इसका एंगल जो है ये क्योंकि एक्स के रूप में नहीं है, ये रूट में है, तो यहाँ पर रूट एक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए सेक का क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है सेक एक्स, एक्स इसमें क्या है टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू है हो जाता है टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है सेक एक्स का, ठीक है, टेन इंटू टेन रूट एक्स। अब देखिए इसका हो गया काम, अब इसका इसका करना है टेन रूट एक्स, टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कितना है रूट एक्स, और देखिए ये जो है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है सारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से उस वीडियो को देख लें, आपको पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है, ये हो जाता है वन बाई टू रूट एक्स, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा टू रूट एक्स, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव में है यह साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। आप लोग को मैं जो है ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पहले जो है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो देखिए करते हैं, पहले तो ले लेते हैं साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा इसमें डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी इंटू एंगल जो है ए एक्स प्लस बी, वो हो जाएगा इंटू, देखिए अब एंगल का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा डी इंटू ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाता है कॉस
एंगल जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएट हो गया कॉस। उसके बाद देखिए डी इंटू ए एक्स प्लस बी, पर इसमें क्या लगेगा, यू प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी इंटू डी वन बाय डी एक्स, ठीक है। अब लिख दीजिए जो है ये वाला कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद देखिए ए इंटू डी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन, तो इंटू वन। और ये देखिए ये प्योर कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है। इसे ए को आप पहले कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये किसका हो गया डिफरेंशिएशन, इसका साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसमें भी लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी बाय डी इंटू जो एंगल है उसे उसको लिख दीजिए नीचे। उसके बाद एंगल का कीजिए डिफरेंशिएशन बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, माइनस कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू, इसमें यू प्लस बी लगेगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन आ गया है, ठीक है। अब लगाइए यू बाय वी का फॉर्मूला। तो इधर कर लेते हैं हम लोग, अब जो है हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, यही है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें यू बाय वी लगाना है हम लोग को, यू बाय वी लगाना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है भी, ये देखिए ये हो गया ऊपर वाला यू और नीचे वाला भी, ठीक है, यू बाई भी। तो ये क्या हो जाता है डी वी बाय सॉरी भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाय डी एक्स बाय भी स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग को ये सब पुट अप करना है। देखिए तो हम लोगों ने भी जो है हम लोग पहले उसे लिख लेते हैं, भी है कॉस सी एक्स प्लस डी, भी है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद देखिए डी यू बाई डी एक्स, हम लोगों ने यू का डिफरेंशिएशन पीछे ही कर लिए हैं तो उसे लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये वो कितना था, वो था ए इंटू कॉस सी ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद देखिए माइनस यू कितना है हमारा, यू जो है ये है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखिए हम लोगों ने डी वी बाई डी एक्स भी निकाल चुका है, वो कितना था, माइनस माइनस था सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बट बाय में क्या हो जाएगा, बाय में ये हो जाएगा देखिए भी स्क्वायर, भी क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ गए आप लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इसमें। ये जो है इसे ये सीधा एक लाइन में होगा ये ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए मैंने इसे किया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये जो ये माइनस जो है ना इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो करते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, ये ए को पहले कर दीजिए, ठीक है, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो जाए, प्लस सी को पहले कर दीजिए सी इंटू साइन सॉरी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, समझ गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, अब देखिए आप लोगों को इसको जो है ये दोनों से अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ये दोनों से अलग अलग डिवाइड करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर हम लोग इसको मैं करके दिखाता हूँ, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बाय कर दीजिए इसमें ये,
क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है दो बार है, तो इसे हम लोग अलग अलग इसे लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसको हम लोगों ने, ये स्क्वायर था तो इसको दो बार हम लोग लिख दिए। अब प्लस हो जाएगा, ये देखिए अब इस पर हो जाएगा सी इंटू क्या हो जाता है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, इसको भी दो बार कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दो बार करना है, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये जो है कॉस और ये सी सी एक्स बाई डी है, यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये जो है सी कॉस सी एक्स प्लस डी और ऊपर भी है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर तो कोई नहीं कटेगा, इधर पहले हम लोग इसका काम निपटा लेते हैं। ये हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बच जाता है। अब देखिए वन बाय कॉस सी एक्स प्लस डी है तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस, ये हो जाएगा सेक में सेक सी एक्स प्लस डी, समझ गए। अब देखिए प्लस, ये देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, इंटू ये देखिए कॉस साइन सी एक्स प्लस डी है, तो एक जो है साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ये कितना हो जाता है टेन सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा सी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, ये वाला बच गया है, तो वो इंटू में लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, और ये जो ये कॉस बचा है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कॉस एक्स पर पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। तो इसमें क्या लगेगा, देखिए u इंटू भी लग जाएगा इसमें। ठीक है, इसे मान लीजिए आप लोग u और ये हो जाएगा v हमारा, ये क्या हो जाएगा u इंटू भी लगाइए। उसके बाद जो है इसमें भी, इसमें लगाना है हम लोग को फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो देखिए ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला होता है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी, क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, ये हो जाता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी का। तो अब देखते हैं क्या होगा, तो लगाइए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। ठीक है, पहले इसे हम लोग क्योंकि यू माने हैं और इसे भी भी इंटू क्या हो जाता है डी यू बाई डी एक्स, तो यह हो जाएगा भी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू डी यू बाई यू, कितना है हमारा ये कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, कॉस एक्स क्यूब हमारा यू है प्लस यू, फिर यू ले यू यू क्या हो जाता है हमारा कॉस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है वो हो जाता है भी क्या है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला, हम लोग ने एकदम पुट कर दिया है फॉर्मूला पर, अब देखिए कैसे बनेगा ये। पंखा बंद करो, अब करते हैं आगे स्टेप, ये हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए इसमें लग जाएगा u, ये इसमें क्या लग जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, और ये जो एंगल है इसको यहाँ नीचे लिख दीजिए एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का होगा डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस कॉस एक्स क्यूब को ऐसे ही लिख दीजिए इंटू, इसमें भी लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा पहले हम लोग का जो साइन का पावर है वो होगा डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 बाय हो जाएगा डी बाय साइन एक्स पर पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाता है डी साइन एक्स पर पावर 5। अब इसमें क्या होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा एंगल जो है उसको नीचे लिख दीजिए, अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन कीजिए बटे डी एक्स, ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू डी कॉस एक्स क्यूब, कॉस क्यूब कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाता है माइनस साइन, एंगल जो है वो लिख दीजिए एक्स क्यूब इंटू, ये क्या है डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
ये जो है कॉस, वो लिख दीजिए कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ डिफ्रेंशिएशन, डी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 बाई डी साइन एक्स पर पावर 5, स्क्वायर का होगा तो ये जो है स्क्वायर, ये 2 जो है ये आगे चलाता है, ठीक है, 2 इंटू साइन एक्स पर पावर 5 इंटू, अब यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, सॉरी ये नीचे नहीं आ रहा था, कॉस एक्स पर पावर 5, ठीक है। अब जो है एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x पर पावर 4, ठीक है। अब हम लोग इसे एक बार सही से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -3x² को पहले लिख लीजिए, उसके बाद इंटू साइन एक्स क्यूब लिख लीजिए, उसके बाद इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, ठीक है, प्लस इसको सही से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 × 2 क्या हो जाता है 10, ये हो जाएगा +10x पर पावर 4, ठीक है। उसके बाद इंटू साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 3, यही हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। आप लोग जो है इसे दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, वो क्या है ये देखिए जो आंसर में है बुक का, तो वो है ये जो है माइनस वाला, इसे हम लोग बाद में कर देंगे, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, 10x पर पावर 4 इंटू साइन एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स पर पावर 3, माइनस कर दीजिए 3x² इंटू साइन एक्स पर पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, यह हमारा बुक का आंसर, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कितना तक है, 10 तक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप लोग वीडियो देखते रहा कीजिए, अगर आप लोग को ऐसे ही डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।